आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 49वें पृष्ठ की 16वीं पंक्ति पर 18वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ऑलवेज वी बियर इन अस ए मैजिक की कंसील्ड इन लाइफ्स हर्मेटिक एनवलप, a burning witness in the sanctuary, regards through time and the blind walls of form. A timeless light is in his hidden eyes. He sees the secret things no words can speak, and knows the goal of the unconscious world and the heart of the mystery of the journeying years. गुरु के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। जगत और जीवन सदैव एक रहस्यमय पहेली रहा है, जिसे मानव हल करने का प्रयत्न तो करता रहता है, किंतु निर्णायक हल पर कभी नहीं पहुंच पाता। मानव जीवन जो जो विकसित होता जाता है, नित नवीन समस्याएं इस रहस्यमय पहेली में उजागर होती जाती है। उनको संघर्षरत रहकर मानव सतत प्रयत्नशील बना समाधान ढूंढता जाता है, इस आशा के साथ कि वे कभी न कभी तो समाप्त तो होगी, किंतु ये कभी समाप्त न होने वाला सिलसिला सतत जारी रहता है, जिसे मानव चकित एवं विक्षिप्त तो होकर देखता फिर भी बढ़ता जाता है। अंततः इस रहस्यमय पहेली को सुलझाते सुलझाते पाता है कि यह और अधिक उलझती ही चली जाती है, जो कभी हल नहीं हो पाती। किंतु कभी कभी बुद्धिमत्ता से थक हार कर स्वयं के भीतर जब वह देखने व जानने के प्रयत्न में डूब जाता है, तब स्वयं के भीतर अचानक एक रहस्यमयी कुंजी, जो इस जगत व जीवन के रहस्यमय पहेली पर से पर्दा उठा देती है, ऐसी यह रहस्यमय कुंजी, इसको सदा सदा हम अपने अंतर में जाने या अनजाने धारण किए हुए ही रहते हैं, ऐसी यह दिव्य शाश्वतता कुंजी के
ये शाश्वत के दिव्यांश अपने को नश्वरता के 27 स्तरों में अचित असत अज्ञान में लिपटे रहकर शाश्वत नश्वरता के संग संग रह सकने की अद्भुत कीमियागिरी से अपने व्यष्टि जीवन के भीतर किसी अज्ञात कोने में गुप्त गूढ़ रूप से ध्यानस्थ पड़े रहते हैं। नश्वरता की सभी गतियों व्यष्टि रूपों या समष्टि रूपों में हमारी बाह्य सत्ता के स्त्रो रूपी मंदिर के भीतर ये एक ज्वाजल्य शाश्वतांश देश काल सीमा रूपी बंधन में बंद कर काल की और रूपों की अपारदर्शी अंधी दीवारों के भीतर से भी साक्षी दृष्टा बना रहकर इन अंधी दीवारों के पार देख सकता है और भागवत संकल्प सिद्धि हेतु रचे गए समूचे सूक्ष्म अदृश्य कालातीत संकल्प सिद्धि प्रकाश को सदैव अपने निगूढ़ नेत्रों के भीतर नित नवीन रूपों में अभिव्यक्त होते हुए नवीन रूपों आकारों को नेत्रों की मुनि मुद्रा ध्यानस्थ मुद्रा में संजो कर रखता है। ये शाश्वत के अंश शाश्वत की योजना की सजित गुप्तमय गुप्त वस्तुओं को रहस्यमय वस्तुओं को देखता है जिन्हें मानव कभी न जान समझ पाने के कारण शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जो सत से जड़ चित से प्राण आनंद से हृदय और भाव केंद्र से आनंद से हृदय और भाव केंद्र एवं अति मानस से मन की निर्मिति एवं इनके गुम्फन को धारित करके मानव जीवन के सृजन की अचित जगती के ध्येय को सतत गुपचुप जानता और सदैव समझता ही है और विकासोन्मुख अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया से सतत विकसित स्वरूप धारण किए रहकर सतत विकसित स्वरूप धारण किए जाने वाले अगिन सृजन के सृजन आरंभ से अब तक के इन यात्री की अगिनत वर्षों के रहस्य के निगूढ़ अंतर के अर्थ को पढ़ जान सकता, ऐसा यह शाश्वत का अंश सृजन आरंभ से लेकर वर्तमान मानव जीवन तक समस्त सत्ता आवरणों में निवसित अखंड यात्री प्रज्ञावान बना रहकर शाश्वत संकल्प सिद्धि में सतत विकसित वर्धित होकर अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया में सदैव संलग्न बना रहता है। हमारे सत्ता स्तर रूपी आकारों मंदिरों का एक ज्वाजल्य साक्षी जो स्व के द्वारा स्वीकारे गए देश काल सीमा
एवं रूपों के बंधन रेखा सीमाओं की बागड़ के पार देख समझ सकता है, ऐसे भागवत अंश की अंत उपस्थिति वाले दिव्य कुंज रूपी दिव्यांश सत्ता के भीतर अदृश्य मुंदे हुए नेत्रों से सदैव समाधिस्थ निगूढ़ नेत्रों के भीतर शाश्वत का कालातीत दिव्य प्रकाश संजो कर रखता है। वह नश्वर जगत एवं जागतिक क्षेत्रों के विदित लोकों के परे शाश्वत लोक लोकांतर की गुप्त वस्तुओं को देख सकता है, जिन्हें मानव बाह्याकारी चेतना पर पड़े अचित अज्ञ आवरण के कारण देख जान न सकने पर मानवीय भाषा के शब्द कभी भी अभिव्यक्त न कर पाते। शाश्वत के अंश उन्हीं के संकल्प सिद्धि हेतु नश्वर जगत में सतत प्रयासरत रहते हुए सृष्टि सजन के ध्येय या अचित जगती के ध्येय को सृष्टि सृजन आरंभ से लेकर आज तक चुपचाप जानते और खूब समझते हैं, और सृजन आरंभ से लेकर आज तक की यात्रा का यात्री अगिन युगों वर्षों के रहस्य को रहस्य के निगूढ़ भागवत छिपे अंतरार्थ को ठीक ठीक पढ़ सकता है। आज हम इस सार गर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। सी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।